गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिरारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगिरारम कर्पूर गौरम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं शंकर भगवान की जय। विद्युद्धां समप्रभां रघुपति स्कंद स्थितां भीषणा कन्या भिक्कर वर खेट विल सद्धस्ता विरा सेविता हस्ते शुक्र गदासिकेट विशुकाश्चापं गुणं तर्जनी विभ्राणां नरात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे अतुलित वलधामं हेम शैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानवानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि अज्ञानदमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षूरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः राधा राधा कहत है जे नरया ठोया जे नरया ठोया ते भव सिंधु लंग के बसत सदा ब्रज धाम बसत सदा ब्रज धाम राधा रानी की जय अम्बे मैया की जय हनुमंतराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे परमंडलमयी जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली मेरी माँ जो आप सबके हृदय में भाव रूप से विराज रही है और शब्द रूप से श्रीमद् देवी भागवत में विराज रही है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम व्यास परम शिरोमणि आचार्य सुखदेव भगवान
इस पावन धरती के परम भाग्यशाली श्रोता राजर्षि परीक्षित जी महाराज निम्बार्क आश्रम की सेवा में बालपन से ही मेरे गोविंद मेरी माँ श्री हनुमान जी महाराज और भोले बाबा को अपनी सेवा से रिझाने वाले परम संत विद्वान सरल सरस संगीतकार आदरणीय श्री 108 श्री राधा माधव दास जी महाराज निम्बार्क आश्रम के संरक्षक और निम्बार्क के आंगन की शोभा अवधूत संत परमहंस संत और भोले बाबा के प्रिय सेवक श्री कृष्ण गिरी जी महाराज खड़ेश्वरी बाबा जी निम्बार्क आश्रम के सौंदर्य और आश्रम की शोभा जो पूरे माह माघ के महीने में गंगा जमुना सरस्वती जी के तीर पर विराजमान होकर निम्बार्क आश्रम के शिविर में साधना करते हैं समस्त साधक कल्पवासी महानुभाव उनका परिकर परिवार कृष्णायन परिवार दतिया से पधारे हुए सभी साधक गण महोबा से वीरभूमि महोबा से पधारे हुए भाई त्रिपाठी जी ग्वालियर से पधारे हुए हमारे शिष्य और पूर्व परीक्षित श्रीमती नीतू जितेंद्र जी डबरा से पधारे हुए भाई उदय जी और उनका परिवार भिंड से पधारे हुए सुधीर जी श्रीमती राखी जी और समस्त यजमान परिवार जिनका नाम यहाँ से नहीं लिया जा सकता मैं सभी को साधुवाद देते हुए आज की कथा को शुभारंभ करते हुए आप सब लोगों से आग्रह करूंगा ऐसी कोई वाणी न हो जो माँ के नाम से शेष रहे तीर्थ स्थान पर जो नाम संकीर्तन किया जाता है धाम में जो सत्कर्म शुभ कर्म पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका हजार गुना फल हमको प्राप्त होता है इसलिए बहुत प्रेम से यहाँ भगवान के नाम का धन बटोर लें जो हमारे जीवन के सुखमय भविष्य के काम आ सके सभी लोग बहुत प्रेम से माँ को बुलाएं माँ की धुन में रहना है माँ की धुन में रहना है राधे राधे कहना है माँ की धुन में रहना है राधे राधे कहना है माँ की धुन में रहना है राधे राधे कहना है माँ की धुन में रहना है राधे राधे कहना राधे 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 माँ की धुन में रहना है राधे राधे कहना है माँ की धुन Thank you.
सबके मन में उसका घर, सबके मन में उसका घर, सबके मन में उसका घर, मन को पावन करना है, बाकी धुन में रहना है, राधे राधे कहना है, बाकी धुन में रहना है, राधे राधे कहना है। जय हो प्रेम से आनंद से, नाम का दिया जलाता जो, नाम का दिया जलाता जो, माँ की भक्ति पाता वो, भव सागर से तरना है, बाकी धुन में रहना है, राधे धुन में रहना है, राधे राधे कहना है, बाकी धुन में राधे 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 नारद जी ने नारायण से पूछा, ये दुनिया कैसे पैदा हुई, किसने इसे बनाया और इस जगत की रक्षा कौन करता है, कौन संहार करता है, कौन इसको समाप्त कर देता है, और ऐसा कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा मोहिनी माया जो हमको मोहित करती है ऐसी माया दूर हो सकती है, ऐसा कौन सा ज्ञान है। तो व्यास जी ने कहा, हे नारायण, बताने लगे, सा जगत सृजते देवी तया सा प्रतिपाल्यते, तया च नाश्यते सर्वम् इति प्रोक्तम् गुणत्रयात्। सा जगत् सृजते देवी तया च प्रतिपाल्यते, तया च नाश्यते सर्वम् इति प्रोक्तम् गुणत्रयात्। तस्या स्वरूपं वक्ष्यामि देव्या सिद्धर्षि पूजितम्, स्मरतां सर्व पाप पघ्नम् कामदम् मोक्षदम् तदा।
व्यास जी कहने लगे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर एक है। सा जगत सृजते देवी, वो देवी उसी ने सारे जगत की रचना की। तया चा प्रतिपाल्यते, वो ही सबका पालन पोषण करती है। अच्छा, भ्रम अलग अलग लोगों को होता है, अलग अलग लोगों को भ्रम होता है। ट्रबल कर दो अगेन, लोगों को लगता है कि मैं परिवार का पालन पोषण करता हूं। कभी कोई अधिकारी कहता है कि मेरे सिग्नेचर से वेतन जाती है तो घर पलता है, लोगों के घर। कितने लोगों के घर मेरे द्वारा पल रहे हैं, ये भ्रम होता है। सा जगत सृजते देवी, जीवन में कभी एक दिन वो आ भी जाता है, वो दिन भी आ जाता है कि हमारे पास बहुत पैसा, बहुत रुपया, सब कुछ, और एक दिन हम जमीन पर खड़े होते हैं, कुछ भी नहीं। जब उसकी थोड़ी सी निगाह टेढ़ी होती ना, तो जैसे कंप्यूटर में एक क्लिक करते हैं ना, सारा खत्म हो जाता है, सारा डिलीट हो जाता है। और जब उसकी कृपा की कोर मिलती है तो वो एक बार कंप्यूटर में क्लिक करती है, बस सब बन जाता है। इसलिए भगवान नारायण व्यास जी से कह रहे हैं, व्यास वही जगत की सृजन करती है, रचना करती है, वही सबका पालन पोषण करती है। तया च नाश्यते सर्वम, वो सबका नाश कर देती है। जब उसका मन होता है, वो एक बार दृष्टि टेढ़ी करती है, सब खत्म हो जाता है। प्रोक्तम गुणत्रयात, तीन प्रकार के गुणों के माध्यम से वो ये सब काम करती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से सृजन होता है, रचना होती है, रजोगुण से पालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। और देवी तीनों रूपों में विराजती है, और कहीं मंदिर में नहीं, हमारे घर में ही विराजती है। हाँ, जब वो हमारे कुल को कुल दीपक देती है तो वो माँ महासरस्वती के रूप में विराजती है। जब वो हमको भोजन बनाकर खिलाती है तो माँ महालक्ष्मी के रूप में विराजती है। और कभी कभी रामायण बंद हो जाए, महाभारत चालू हो जाए ना, तो समझ लेना कि वो महाकाली के रूप में भी हमारे घर में विराज रही है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, रामायण बंद और महाभारत चालू। अथ श्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की। तो कभी कभी ये कथा भी घर में चालू होती है, समझ लीजिए उस समय वो महाकाली के रूप में हमारे घर में विराज रही है, वही देवी। ब्रह्मा जी महाराज के जो पुत्र हैं स्वयंभू मनु, उनकी जो अर्धांगिनी है शत्रुपा, ये दुनिया के पहले आदमी हैं। ब्रह्मा जी महाराज जब पैदा हुए तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मुझे किस लिए पैदा किया। जब उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने माँ जगदम्बा की साधना की, मैया की पूजा की, मैया का स्मरण किया, तो मैया ने आकाशवाणी के द्वारा ये बताया कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। ब्रह्मा जी ने मैया के आदेश पर केवल मुख से बोला, केवल उन्होंने माँ से पूछा कि मेरे पास रचना का सामान तो है ही नहीं, कैसे रचना करूं। मैया ने कहा कि मेरा आदेश है, और जब मंत्री जी का आदेश होता है तो एप्लीकेशन भी लिखने की जरूरत नहीं होती, काम हो जाता है, नाम लेने से काम हो जाता है। मंत्री जी का आदेश, कहीं कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा केवल कल्पना करो, केवल मुख से बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा बोलना है, तो फिर बोलने में कंजूसी काहे की, बोलना ही है।
अब बोलने में कोई पेट्रोल खर्च तो होती नहीं, लेकिन हम लोगों की विडंबना तो देखो, हम बोलना भी नहीं जानते, बोलने में भी कंजूसी करते। दरवाजे पर आए श्रीमान जी, बोले तो बे, अंदर से आवाज आई, कौन है बे? एक दूसरे आए, उन्होंने कहा दुबे जी, अंदर से आवाज आई, आइए जी। बोलने में कहा कि कंजूसी, लेकिन हम लोग इतने कंजूस हैं कि बोलने में भी हमको प्रॉब्लम होती है, अच्छे से बोल भी नहीं पाते। बोलने में जा क्या रहा है बताओ? कोई पेट्रोल खर्च हो रही, रुपया खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है? और उसके बाद कोई शादी, कोई विवाह, कोई फंक्शन, बोले साहब बुआ जी गुस्सा है, बोली नहीं रही किसी से, और प्रॉब्लम पैदा हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोलने में कंजूसी नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने चार मुखों से बोला, एक बेटा, एक एक बेटा पैदा हो गया। पर ब्रह्मा जी ने मन से परिकल्पना की तो उनकी 10 इंद्रियों से 10 बेटे पैदा हो गए, लेकिन ये सब के सब माँ का भजन करने के लिए तत्पर थे, ये संतान पैदा करने के लिए नहीं, गृहस्थी के लिए इच्छुक नहीं थे। गृहस्थ धर्म तो झंझट वाला धर्म होता है, जो थोड़ा सा जिसका लेवल ऊपर हो जाता है ना, वो ये बात जानता है कि सुखों का भोग, सुविधाओं का भोग, साधनों का भोग, लड्डू पेड़ा, ये ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, वो ये जानते हैं। थोड़ा सा जिनका लेवल ऊपर हो जाता ना, वो इन चीजों को तुच्छ और त्याज्य समझने लगते हैं। वो जानते हैं कि ये सब सहज है, सरल है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर वो पंगत के लिए 10 कोस तक पैदल नहीं जाते, नहीं। लेकिन अगर कथा हो रही हो तो 10 कोस तक पैदल जा सकते हैं, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर बढ़ चुका है, उनको इस बात का ज्ञान हो चुका है कि भोग तो हम 83,99,999 योनियों में भोग चुके हैं, संतान तो हम पिछली योनियों में भी पैदा कर चुके हैं, भोजन तो हम पिछली योनियों में भी कर चुके हैं, सुखों का उपभोग तो हम पिछली योनियों में भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम उस योनि में हैं जिस योनि में हमको केवल मोक्ष का दरवाजा खोलना है। हमारे निम्बार्क आश्रम के साधक गण हैं भाई, जो पूरी व्यवस्था में रहते हैं, पूरी सेवा में रहते हैं, और हमारे भगवान का दरबार सज जाता है वर्षों से। और ऐसे नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि सामान्य लोग हैं, हाँ, व्याख्याता हैं, टीचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, LLB किया है, वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़ा लिखा होता है वो जानता है कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है, भगवान की सेवा से बड़ा कोई नहीं। तो मैं निवेदन करूं कि जो थोड़ा सा ठीक स्तर पर पहुंच जाते हैं, वो जानते हैं कि हमें आत्मोद्धार करना है। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने बेटों से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो, संतान उत्पत्ति करो, परिवार की तरफ जाओ, गृहस्थी की तरफ को जाओ। ये सबके सब बोले, बोले ग्रह कारज नाना जंजाला, ये जंजाल है, एक बार फंसते हैं निकल नहीं पाते, ओवर नहीं पाते, ये अंधा कुआं है, एक बार इस अंधे कुएं में गिरते हैं तो फिर निकलना नहीं हो पाता, फिर इसमें से नहीं निकलते। हित्वात्मपातम ग्रह अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयता, वन में जाना चाहिए भगवान का आश्रय लेकर के, ऐसा विचार रहता है। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय
जब अपने मन से अपने शरीर से दस बेटे पैदा किए, ये सृष्टि करने के लिए तैयार नहीं थे। इनका मन देवी मैया की उपासना में था। ब्रह्मा जी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जो शरीर से पैदा नहीं हुआ उसकी शरीर में रुचि भी नहीं रहती। ये अयोनिज थे, ये मनसा सृष्टि के अंतर्गत मानसिक सृष्टि, मन से रचना की थी, मन से पैदा किया था। तब ब्रह्मा जी महाराज ने अपने दाएं हिस्से से पुरुष पैदा किया और बाएं हिस्से से स्त्री पैदा की। शरीर से ही पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शत्रुपा। दोनों ने कहा कि हमें करना क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि की रचना करनी है, संतान पैदा करना। दोनों ने कहा कि प्रभु ये कैसे संभव है। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से सब संभव है। बड़ा कठिन है और सरल भी। ऐसे कितने लोग होते जो संतान के लिए भटकते हैं, इस मंदिर पे उस मंदिर पे, इस दरवाजे पे उस दरवाजे पर जाते हैं। लेकिन जिन पर माँ की कृपा दृष्टि होती है उनके लिए सरल है, सहज है, सुगम है, आसान है। उन्हें कहीं नहीं जाना पड़ता, माँ का आशीर्वाद, सब कुछ सुलभ, सब कुछ सरल। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस व्यक्ति का जीवन तपस्या से आरंभ होता है उस व्यक्ति के जीवन में कुछ भी कठिन नहीं रह जाता, सब सरल। सारे काम धीरे 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 बनते चले जाते। शर्त है जीवन में तपस्या होनी चाहिए, साधना के साथ जीवन शुरू होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें सृष्टि कार्य में सुगमता के लिए, उसकी सुचारुता के लिए देवी की आराधना करना पड़ेगी। तो मनु और शत्रुपा ने दोनों ने साधना की, हजारों वर्ष तक साधना की। रामायण में लिखा है, अस्थि मात्र रह गयो शरीरा, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, लेकिन मन में कोई कष्ट नहीं, कोई गिलानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बड़ी चीज होती है, जब व्यक्ति साधना के पथ पर जाता है तो वो जैसे पेड़ लगाता है ना, पेड़ तो पेड़ लगाने के साथ वो एक बार देखता है कि इसकी जड़ जमीन में पकड़ी है नहीं, तो फिर वो एक बार उस पेड़ को थोड़ा सा तान के देखता है, उखाड़ के देखता है। थोड़ी सी जड़ पकड़ी थी ना, उखाड़ी, तो दोबारा से उसने मिट्टी छोड़ दी। फिर दो दिन इंतजार करता है, फिर थोड़ी सी जड़ पकड़ने को होती है, तो फिर वो जड़ को उखाड़ के देखता है कि इसकी जड़ पकड़ी जमीन में कि नहीं। पता चलता है कि वो पेड़ कभी लग ही नहीं पाता। ऐसे हम लोग साधना करते हैं तो साधना के बाद ये परीक्षा करते हैं कि क्या हमारी साधना सफल हो रही है नहीं, देवी मैया प्रसन्न हो रही है नहीं। तो हम बीच बीच में परीक्षा करते हैं, इसी कारण से हमारी साधना संपन्न नहीं होती, सफल नहीं होती। साधना परीक्षा का विषय नहीं है, साधना समीक्षा का विषय नहीं है, साधना प्रतीक्षा का विषय है। जिसके अंदर जितनी प्रतीक्षा है, जिसके अंदर जितना धीरज है, उसकी उतनी ज्यादा साधना सफल होती है। यहां हजारों वर्ष तक साधना कर रहे हैं मनु और शत्रुपा, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन उनके तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, मन में कोई व्याकुलता नहीं, कोई व्यचिनी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं कि भगवान नहीं आए अभी तक। शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया और उनके मन में कोई शिकायत नहीं। तब तपस्या सफल हुई और मैया ने दर्शन दिया। नमो नमस्ते देवेश जगत कारण कारणे, मैया जगदम्बा ने दर्शन दिया। मनु और शत्रुपा उनकी स्तुति कर रहे हैं। नमो नमस्ते देवेश जगत कारण कारणे, शंख चक्र गदा हस्ते नारायण हृदाश्रिते, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ ने कहा ब्रह्मा जी के बेटे, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो मुझसे कहो। ब्रह्मा पुत्र जो इच्छा हो मांगो। मनु ने कहा कि माँ, बोले गोविंद भगवान की जय, बोले श्री महंत जी महाराज की जय, बोले संत भगवान की जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय 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 जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय जय हरि गोपाल हरे, गोविंद जय जय हरि गोपाल श्री राधा। परम हितैषी, परम शुभेक्ष और परम मित्र बाबा रामदास जी, आपका बहुत विशाल आश्रम है झूसी में और बहुत सुंदर गौशाला है, दर्शनीय गौशाला है। और शास्त्री ब्रिज के नीचे जब कभी आप लोग जाएंगे, एक विशाल मंच बना हुआ है। बाबा देवराह बाबा वहाँ निवास करते थे, जब भी आते थे प्रयाग में, तो उस स्थल को जागृत कर रखे हैं। ठीक वैसे ही मचान बना हुआ है, बहुत सुंदर अखंड ज्योति 12 महीना जलती रहती है। चाहे जितना गंगा जी यहाँ बढ़ जाए, चाहे जितना प्रलय जैसा जलराशि आ जाता है, तो भी अखंड ज्योति जलती रहती है, बाबा का मचान जागृत रहता है। तो वहाँ के महंत हमारे स्वामी बाबा रामदास जी महाराज पधारे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य। हम चाहेंगे अपना जो भी थोड़ा समय है, क्योंकि वहाँ भी बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, अखंड रामचरितमानस पाठ अभी समापन होने वाला है, तो वहाँ के हवन में आपको पहुँचना है, तो हम चाहेंगे अपना दो शब्दों में हम सभी लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। और उसके पहले हम चाहेंगे जो मुख्य यजमान हैं उनसे माल्यार्पण कराएं। रूपेश जी, सुरेश जी और सतीश जी भी आ जाएं और गुरु महाराज को अंग वस्त्र समर्पित करें, एक माला समर्पित करें, उनको प्रणाम करें। सतीश जी और गुरु जी, सुरेश जी से निम्बार्क आश्रम के संरक्षक ओपी त्रिपाठी जी व्यास जी को अभी माल्यार्पण किए हैं और देवी भागवत महापुराण को भी अपना पुष्प पत्र अर्पित किए हैं सपत्री। हम उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं। भगवान का मंगल करें, स्वस्थ रखें। उदय जी गुरु जी को एक पुस्तक प्रदान करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे।
यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका जगतखिल परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। भगवान की अकारण कृपा के कारण भगवान नाम श्रवण करने का यह जो शुभ अवसर आज हम सभी को प्राप्त हुआ, विशेष तौर से मुझे जो भगवती की कृपा प्राप्त हुई, इसके लिए परम श्रद्धेय श्री राधा माधवदास जी महाराज को मैं सादर प्रणाम करता हूं। भगवान की माँ भगवती की अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराने वाले आदरणीय श्री व्यास जी महाराज, मंचस्थ ब्राह्मण वृंद, कलाकार वृंद, धर्मानुरागी सज्जनों और देवियों, आप सभी को प्रणाम। और भगवत कथा की यह अमृतधारा तीर्थराज प्रयाग में बहाने के लिए सादर साधुवाद धन्यवाद। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। निश्चित रूप से आप सभी के पूर्व जन्मों के जो किए हुए सुकृत हैं वह जागृत हुए हैं, जिनका यह परिणाम है कि आपको भगवत कथा रसास्वादन का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, भगवान की मंगलमय कृपा प्राप्त हो रही है। मित्रों, इस जीवन में जिस मानसिक शांति की अपेक्षा से हम लोग भगवान की कथा, तीर्थाटन, साधन इत्यादि करते हैं, उसका एक मूल मंत्र यही है कि संपदो नैव संपदः, विपदो नैव विपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृतेः। केवल भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान का चिंतन बना रहे, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। और जब परमात्मा विस्मृत हो जाए तो इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है। इसलिए सतत भगवान नाम का अनुसरण करें, भगवान नाम का चिंतन करें, भगवान नाम का स्मरण करें, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करें। निश्चित रूप से आप सब आनंद में रहेंगे। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है, समय कम है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सनातन के उन मूल्यों का संरक्षण करें, जहां भी रहें धर्म को संबल प्रदान करें, धर्म करते भी रहें और धर्म जबरदस्ती कराते भी रहें और अपने धर्म के प्रति निष्ठा दिलाते भी रहें। वर्तमान समय में जो सामाजिक परिवेश है, जहां तमाम तरह के मूर्ख अलग अलग हमारे धर्मों के, हमारे धर्म ग्रंथों के संबंध में बयान दे रहे हैं, विधर्मी इस बात पर लगे हुए हैं कि सनातन मिट जाए, उनसे सचेत रहें, उनसे अपनों को सचेत करें और अपने धर्म के साथ संबल बनकर खड़े रहें। यही मेरी शुभकामना है, यही अपेक्षा है और यही आशा है। आप भारतवर्ष के निवासी हैं, सनातन संस्कृति के धरोहर हैं। आपसे संस्कृति, आपसे अतीत सुरक्षित होगा, आपसे भविष्य सुरक्षित होगा, आपसे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम, शांति शांति शांति। बोले संत भगवान की जय। एकदम सूत्रों में बात हो गई, संकेतों में बात हो गई, और संत तो एकदम से सूत्र में ही सारी बात कह देते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी और हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे योगी राज श्री देवराहा बाबा जी के आश्रम के संरक्षक, मैं कृष्णायन परिवार की ओर से आपको साधुवाद देता हूँ। हमारे यहाँ रावतपुरा में भी जो गुरुजी का स्थान बना हुआ है, वहाँ भी हम लोगों को उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। आज आपका आशीर्वाद मिला कार्यक्रम के समापन वाले दिन, ये हम सब लोगों के लिए धन्यता की बात है। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले अम्बे मैया की जय हो। काली काल विनाशिनी जय जय है, काली काल विनाशिनी जय जय है, दुर्गे दुर्गे विनाशिनी जय जय है, दुर्गे दुर्गे विनाशिनी जय जय है।
ब्रह्माणी जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय विनाशिनी जय जय विनाशिनी जय जय बोलिए काल विनाशिनी काली मैया की जय। माने मनु से कहा ब्रह्मपुत्र वरदान मांगो। मनु जी महाराज ने कहा माँ मेरे पिताश्री के आदेश से मैं सृष्टि की रचना करना चाहता हूँ। आप कृपा करके सृष्टि रचना कार्य में मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे इस कार्य में सुगमता और निर्विघ्नता हो सके। माँ ने कहा तथास्तु। अच्छा देवी भागवत में एक विशेष बात और है। यहाँ पर स्तोत्र मंत्र स्तुतियां बहुत हैं और अगर एक स्तोत्र का भी अगर आदमी पाठ चालू कर देता है तो उससे जीवन बन जाता है। इसका अनुभव मैंने मेरे गुरुदेव की कृपा से मैंने इसका अनुभव किया है। कुछ स्तोत्र कुछ पाठ जीवन में शामिल किए और उसका लाभ मुझे मेरे शिष्यों को प्राप्त हुआ और हो रहा है। तो यहाँ ब्रह्मा जी महाराज ने जो देवी मैया की स्तुति की वो एक ब्रह्माकृत स्तोत्र के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे विद्या प्रजा कीर्ति कांति बुद्धि धन धान्य की वृद्धि ये सब होते हैं और शत्रु नाश होता है। मनु और शत्रुपा ने निवेदन किया कि पहले मुझे एकांत स्थल दीजिए पिताश्री। ब्रह्मा जी से निवेदन किया क्योंकि मेरी प्रजा का निवास कहाँ रहेगा। तब ब्रह्मा जी महाराज ने पृथ्वी की रचना की जलधाराओं के साथ समुद्र सात सात समुद्र बन गए और प्रभु आदि पुरुष अगर सहयोग करेंगे तो पृथ्वी का उद्धार हो सकता है। तब भगवान श्री पराह का रूप धारण करके धरती मैया का उद्धार करने के लिए पधारे और धरती का जब उद्धार किया तो धरती मैया ने पराह भगवान से निवेदन किया कि आप वीर हैं आपने मेरा उद्धार किया और वीर ही भोग कर सकता है पृथ्वी का वीर भोगी वसुंधरा तो आप मेरा भोग कीजिए और मुझे एक संतान दीजिए। तब बराह भगवान ने धरती मैया के साथ में भोग किया और उनको एक बेटा प्रदान किया जिसे हम कहते हैं मंगल। ये जो मंगल ग्रह होता है वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध किया है कि ये पृथ्वी का हिस्सा है और भागवत भी कह रही है कि पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है तो मंगल की उत्पत्ति हुई। इसी वंश परंपरा में आगे जाके प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के मनु के दो बेटे हुए। प्रियव्रत और उत्तानपाद का चरित्र उत्तानपाद का श्रीमद् भागवत में विस्तार से सुनते हो। उनके बेटा ध्रुव हुए हैं ध्रुव से आगे जाकर के वंश परंपरा पृथ्वी इत्यादि हुए और उनमें ऋषभदेव हुए फिर जड़ भरत हुए आगे परंपरा बढ़ी। लेकिन यहाँ पर तीन बेटियां हुई आकुति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह करदम नाम के ऋषि के साथ में हुआ। ऋषि करदम के जो बेटा हुए वो भगवान ही अंश रूप से कपिल रूप से धरती पर पधारे थे और कपिल ने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान का उपदेश देकर सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर के और जीवन मुक्त होने की बात बताई थी। इधर प्रियव्रत विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मती और उनकी बेटी ऊर्जस्वती उनका विवाह शुक्राचार्य जी के साथ में हुआ था। उनके 10 बेटा हुए थे जिनमें 3 वरक्त हुए थे ऊर्ध्वरेता और ब्रह्मचारी हुए थे। इसी से वंशक्रम आगे बढ़ा। फिर देवी भागवत के आगे चर्चा आती है नरकों का वर्णन। तो एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी की सभा में भगवान अनंत की महिमा और भगवान नारायण से निवेदन किया था कि प्रभु कर्म के अनुसार व्यक्ति को क्या सदगति और कैसी दुर्गति भोगना पड़ती है मैं ये जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज ने कहा पृथ्वी के नीचे
और अतल लोक से ऊपर यमराज का स्थान है। यमराज के दूत मरे हुए प्राणी को वहां पर ले जाते हैं और उससे जो भूल होती है उसके हिसाब से उसे दंड प्रदान करते हैं। जैसे किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी का धन हरण किया, किसी के पुत्र का हरण किया या किसी दूसरे की स्त्री का हरण किया तो उसे तामेश्वर नाम के नरक में गिरना पड़ता है, जहां यमराज के दूत काल पाश में बांधकर उसे डराते धमकाते हैं। कोई स्त्री अगर अपने पति के साथ धोखा करती है या कोई नौकर अपने मालिक के साथ धोखा करता है या कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ धोखा करता है तो अंध तामेश्वर नाम के नरक में गिराया जाता है, जहां उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं और मति नष्ट हो जाती है, कोड़े मारे जाते हैं। वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें दर्द बहुत होता है, लेकिन वो शरीर नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो केवल यातना शरीर ही होता है। उसको यातना दी जाती है तो कष्ट बहुत होता है, लेकिन वो शरीर नष्ट नहीं होता। फिर रौरव नाम का नरक, कोई आदमी प्राणियों से द्रोह करे, विरोध करे, बैर करे, बिना कारण के एक दूसरे से बैर विरोध ठान ले, वह ऐसे आदमी को रौरव नाम के महारौरव नाम के नरक में भूत द्रोह परोपकार नहीं करे, अपने कुटुंब का भरण पोषण पेट भरने में लगा रहे, कोई दरवाजे पे आए तो उसे भगाए लतेड़े, ऐसे आदमी को रौरव नरक में जाना पड़ता है, जहां इस लोक में जो रुडू नाम के जीव सर्प से भी भयंकर जीव होते हैं जो उनको वहां पर काटते हैं, डसते हैं। जो दूसरे आदमी को कष्ट देता है उसे महारौरव नरक में जाना पड़ता है और सर्प से भयंकर जीव उसे खाते हैं। पर जो पिता का विरोधी है और ब्राह्मणों का विरोधी है, पिता ने कहा कि पूरब तो वो पश्चिम, पिता ने कहा ऐसा करो, बोले ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो जो पिता के विपरीत जाता है या पिता का विरोधी होता है ऐसे आदमी को कालसूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां सारे के सारे वस्त्र उतार करके ऊपर से चिलचिलाती हुई धूप, नीचे से तपती हुई धरती और साथ में कोड़े मारे जाते हैं, इधर से उधर उधर से उधर भागता रहता है, कष्ट बहुत होता है, मरता नहीं। वेद मार्ग से जो पृथक हो जाए और पाखंड करे, वेद मार्ग से पृथक जानते हो, पिताजी ने कहा कि बेटा सुबह सुबह उठा करो और थोड़ा सा भजन कर लिया करो, बोले भजन भजन तो सीखा ही नहीं हमने, अब हम वेद मार्ग से हट गए, जो शास्त्रों ने मार्ग बताया, वेद ने बताया या हमारे माता पिता ने, गुरु ने हमको जो रास्ता बताया, जो आदमी उस रास्ते से हट जाए। एक बार दीक्षा मंत्र लिया और दीक्षा मंत्र में चार शर्तें हो गई कि हमको सुबह सुबह जगना है और सूर्योदय के पहले संध्या वंदन करना है, ये शर्तें हो गई, आपस में बातचीत हो गई। अब श्रीमान ने क्या किया कि वो शर्तें वर्तें सब भूल गए, आज दीक्षा हो गई कल सब भूल गए, अब हम अपनी मर्जी से वैसे ही 8 बजे 9 बजे 10 बजे स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे तो कर रहे, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, वेद मार्ग से हम हट गए या गुरु के बताए हुए रास्ते से हम हट गए। या तो पूछो ही मत, अपने तरीके से जियो, पशुओं जैसा जीवन, और अगर कभी हम वेद मार्ग पर चल पड़े तो उस पर चलना हमारा धर्म होता है। जो उससे हट जाता है उसे असी पत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। असी माने होता है तलवार और पत्र माने पत्ते, तो ऐसा खेत होता है जिसमें पेड़ लगे होते हैं जिनके जो पत्ते होते बड़े बड़े वो तलवार की नोक जैसा, तलवार की धार जैसा होता है उसमें, और यमराज के दूत लतेड़ कर उसी में घुसेड़ देते हैं और इधर से उस तरफ निकलो, उस तरफ निकलते हैं पर उधर दूसरे दूत खड़े सुबह उधर से डंडे मारते और इसी में घुसेड़ देते, सो शरीर कटता फटता है, दर्द बहुत होता है लेकिन मरता नहीं। अब जो आदमी पशु और पक्षी को मार करके पका करके खाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, मुझे नहीं पता कि इधर वैसे लोग हैं कि नहीं, लेकिन हो सकते हैं, संभव है, हो सकता है कि मेरी आवाज माइक से जा रही हो, वहां कोई ऐसे श्रीमान हो अथवा कैमरे से मेरी आवाज जा रही है तो वहां कोई इस तरह के लोग हों। तो ऐसे व्यक्ति जो पशु और पक्षी को मार करके खाते हैं, ऐसे लोगों को कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहां पर उस पशु या पक्षी के रोम की संख्या के हिसाब से, उस पशु में कितने रोम है, कई 1 करोड़ रोम है, उतने साल या 1 लाख रोम है तो 1 लाख साल। लोहे की कढ़ाई में तेल डालते हैं और उस तेल में भाई साहब को डुबा डुबा के जैसे पूड़ी पकाते हैं ना महाराज, वैसे पकाते हैं, इसको बोलते हैं कुंभी पाक नाम का नरक।
भूल कर भी हमको कभी भी, बोले महाराज जी मारा हमने नहीं है, मारा किसी और ने, हमने तो खाया है। अच्छा तुम खाते नहीं तो वो मारता किस लिए? मारा तो हमारे लिए ना, कि कोई भाई साहब आएंगे हम उनके लिए बना बनू के तैयार करके धर लें। तो खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है जितना मारने वाले को लगता है, इसलिए खाना नहीं चाहिए। चौथा होता है शुकर मुख नाम का नरक। कोई व्यक्ति सत्ता में पहुंच जाए, गांव का प्रधान बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, सरपंच बन जाए, और बनने के बाद अन्याय करे, न्याय पर न चले, न्याय के विरुद्ध हो जाए, ऐसे व्यक्ति को यमराज के दूत कोल्हू में पेरते हैं और उसका तेल निकालते हैं। कष्ट बहुत होता है लेकिन आदमी को मरने नहीं देते, बार बार उसका तेल ही निकालते रहते हैं, कोल्हू में पेरते हैं। इसे बोलते हैं शूकर मुख नाम का नरक। अंधकूप नाम का नरक। जैसे कभी कभी देवियां होती ना दोपहर के बाद घर का काम वाम निपटा निपटू के, और बुला लेती हैं बगल वाली को, आओ दीदी आ जाओ अब हम फ्री हो गए। अब फ्री हो गई, अब सामने एक दीदी बैठ गई और पीछे दूसरी वाली दीदी बैठ गई, सिर उघाड़ लिया, सिर में से ढूंढ ढूंढ करके मार रही है, एक दो तीन चार, मारना चालू, 40 मारे महाराज, 40 मार खाम गए, खटमल मच्छर जुआ। जो ये मारता है उसे अंधकूप नाम के नरक में गिरना पड़ता है, और वहां पर वही खटमल, वही मच्छर, वही जू, वही मिलता है तैयार। भाई साहब बहुत मारा तुमने, दीदी बहुत परेशान किया है, आ जाओ। तो उधर ही वो फिर उनको काटते हैं, इसको बोलते हैं अंधकूप नाम का नरक। तो बोले महाराज जी अब खून पियेंगे तो मारेंगे नहीं, खून पियेंगे तो मारेंगे। तो हमने कहा कि जब शैंपू लगाओगे हर तीसरे पांचवें सातवें दिन तो फिर सिर साफ रहेगा, साफ रहेगा तो जुआ होंगे नहीं, तो फिर मारना भी नहीं पड़ेगा। या घर में साफ सफाई रखोगे तो मच्छर आएंगे ही नहीं। फिनाइल से पोंछा लगाओ, गौमूत्र से पोंछा लगाओ, थोड़ा सा साफ सुथरा घर रखो तो मच्छर आएंगे नहीं, मच्छर नहीं आएंगे तो मारना भी नहीं पड़ेगा। आजकल तो एक वो बल्ला भी चल गया, वो क्या बोलते हैं उसको, रैकेट, रैकेट को चटाक चटाक जैसी आवाज आती है तो मजा और ज्यादा आता है, लगता है कि हम बहुत वीरता का काम कर रहे हैं। लेकिन मना किया गया है, इनको वृत्ति दी गई है कि ये तुम्हारा खून पिए, इनको यही काम दिया गया है, और खून पीने से बचाना है तो साफ सुथरा रहने की आवश्यकता है। इसे बोलते हैं कृमि भोजन नाम का, इसे बोलते हैं अंधकूप नाम का नरक। और जो व्यक्ति दूसरों को खिलाकर न खाए उसे कृमि भोजन नाम के नरक में गिरना पड़ता है। हमारे यहां परंपरा है कि पहले हम दूसरों को खिलाते, जो दूसरों को खिला करके खाता है। देखिए तीन प्रकार के लोग होते हैं, दूसरे का छीनकर खाना ये विकृति है, दूसरे का छीनकर खाना ये विकृति है, और खुद खा लेना किसी को नहीं पूछना ये प्रकृति है, ये आदमी की प्रकृति है। दूसरे को छीनकर खाना विकृति और खुद खा लेना प्रकृति, लेकिन खिलाकर खाना, खिलाकर खाना ये हमारे देश की संस्कृति है, और जो व्यक्ति संस्कृति पर चलते हैं ऐसे व्यक्तियों को नरकों में नहीं जाना पड़ता। हमारे यहाँ पंच यज्ञ करने की परंपरा है, बलि वैश्वदेव की परंपरा है, कुत्ते को खिलाओ, चींटी को खिलाओ, चिड़िया को खिलाओ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओ तो केवल इतना कर दो कि सुबह सुबह जब हम भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी किसके लिए, गाय के लिए, और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अब ये अलग बात है कि भाई साहब को बहुत जल्दबाजी है तो पहली गैया वाली कौन खा गए, अब भैया ने गैया वाली खाई तो भैया का स्वभाव कैसा हो गया, गैया वाली खाते 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 भैया हो गए गैया। अब सबने भोजन कर लिया, अब लास्ट वाली रोटी बची किसकी, कुत्ते वाली, अब वो किसने खाई, पहली वाली गैया वाली भैया ने खाई तो भैया हो गए गैया, और लास्ट वाली कुत्ते वाली बहन जी ने खाई लास्ट वाली, अब वो कुत्ते को खिलाया ही नहीं, बच गई नहीं, चार बची तो खा ली। तो बहन जी का स्वभाव अब ये नहीं बताऊंगा कैसा हो गया। धीरे धीरे हमारे यहाँ परंपरा है खिलाकर खाना चाहिए, इसको बोलते हैं पंच यज्ञ, इसको बोलते हैं बलि वैश्वदेव। गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ,
और अगर ये सब ना कर पाओ तो थाली में जब भोजन आता है तो पांच कौर तोड़ कर रख दो, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। भगवान को खिलाओ, पुरखों को खिलाओ, समस्त जीवों को खिलाओ, अपने सब लोगों को खिलाने के बाद फिर खुद खाओ। ऐसा करते हैं तो किसी नरक में नहीं जाना पड़ता, अन्यथा कृमी भोजन नाम के नरक में हमको जाना पड़ता है। एक संदंश नाम का नरक होता है जिसमें चोरी करने वाले छल बल से स्त्री या सुवर्ण को चुराने वाले व्यक्ति को उसमें ले जाया जाता है। तप्त सुरमी नाम का नरक, अगर कोई व्यक्ति अगम्या स्त्री के साथ यानी दूसरी स्त्री के साथ गमन करता है तो एक लोहे की स्त्री बनाते हैं जो एकदम से लाल गरम कर देते हैं और उससे उनका स्पर्श कराया जाता है। बैतरणी नाम की नदी होती है। और एक नरक होता है अयापान नाम का नरक, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है। देवी भागवत ये कह रही है कि तीन को तो कम से कम करनी नहीं है, लेकिन किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि चौथे वर्ण को दारू पीना चाहिए। किसी भी पुस्तक में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि आदमियों को शराब पीना चाहिए, कहीं नहीं लिखा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और आपने पढ़ा हो तो आप जरा हमको वो श्लोक बता देना। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में नहीं लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कम से कम ये तीन के लिए तो एकदम वर्जित कर दिया गया है। और वैसे तो मानव मात्र के लिए ही शराब वर्जित है, शराब नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शराब दैत्यों को प्रदान की गई वस्तु है। जब समुद्र मंथन से वारुणी निकली तो देवताओं ने दैत्यों से कहा कि अब निकली तुम्हारे मतलब की चीज। दैत्यों ने कहा इससे होता क्या है? देवताओं ने कहा कि ये अंदर और ताकत बाहर, जरा पियो, और शराब पिला दी दैत्यों को। शराब पीकर मदोन्मत्त होकर मस्त होकर के वो पड़े रहते थे। उनकी शक्ति का नाश हुआ, उनकी बुद्धि का नाश हुआ, उनकी ऊर्जा का ह्रास हुआ और देवता लोग जीतते रहे इसी कारण से, उनकी बुद्धि नष्ट करके। इसलिए मदिरा इंसानों के लिए तो है ही नहीं, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य सुरापान करता है तो उसे अयापान नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां यमराज के दूत लोहे को इतना गर्म करते हैं कि वो पानी जैसा तरल हो जाता है। फिर उनको पटक करके, उनका मुंह खोल करके और संसी से उसे लेकर के आते उस पात्र को, और उनके मुंह में वो गरम गरम लोहा डाला जाता, वो छटपटाते हैं, दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन मरने नहीं देते। इसे बोलते हैं अयापान नाम का नरक। अच्छा, कभी कभी लोग सोचते हैं कि महाराज जी आप कुछ चीजें बना बना के बोल रहे हो, ये भागवत में भी कुछ ऐसा झूठ सा लिखा है, ये हो नहीं सकता, ऐसा होता नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, क्या भागवत में झूठ लिखा है? क्यों लिखा है झूठ? क्या स्वार्थ था व्यास जी महाराज का कि वो झूठ बातें लिख देते या कोई गलत विचार भागवत में लिख देते? क्यों लिख देते? भागवत में जो लिखा है एक एक अक्षर एकदम सत्य है। शर्त यह है कि हमें उसको समझने की आवश्यकता है। अयापान नाम का नरक। दूसरा क्षारकर्दम नाम का नरक। कोई व्यक्ति अपने बड़ों का आदर नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को यमराज के दूत नीचे की तरफ को सिर करके और ऊपर की तरफ को पैर करके पर्वत के ऊपर से नीचे फेंकते हैं। क्षार क्षार हो जाता है शरीर, लेकिन बाद में दोबारा से शरीर इकट्ठा होकर के फिर तैयार हो जाता है। कष्ट बहुत होता है, फिर बार बार पटकते हैं ऊपर से नीचे तक। इसलिए अपने से बड़े का आदर करना चाहिए, इससे व्यक्ति का विकास होता है। शूलपात नाम का नरक। जैसे पशु या पक्षियों को शूल से या कांटे से छेदते हैं तो उनको शूलपात नाम के नरक में गिरना पड़ता है। वहां यमराज के दूत उनको एक बड़ी सी सुई में पिरोते हैं और उसको अपने गले में पहन लेते हैं उस आदमी को। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के नरकों की जब चर्चा आई तो जन्मेजय तो कांप गए। जन्मेजय ने व्यास जी से निवेदन किया, प्रभु आदमी से कोई ना कोई गलती तो हो ही जाएगी जीवन में, और गलती होगी तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। तो आप अब नरकों की बात मत बताओ, नरक से बचने का रास्ता बताओ, नरक से कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पर व्यास जी ने कहा, परिपाल्यते घोरम संकटादिषु सा मुने, परिपाल्यते घोर संकटादिषु सा मुने, सा देवी पूज्यते लोके यथावत् द्विधीं शृणु।
व्यास जी ने कहा देवी मैया के पूजन की जो विधि बताई गई है उस विधि से और मन से भावना से, मन से भाव से, विधि में गलती हो जाए चलेगा लेकिन भावना में गलती नहीं होनी चाहिए। भावना से जो देवी माता का पूजन करता है वो आदमी कितनी भी गलतियां जीवन में बन जाएं नरकों में जाने से बच जाता है, फिर उसको किसी नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो जन्मे जय ने कहा कि प्रभु किस विधि से पूजा करनी चाहिए, तो बताया है कि अलग अलग दिन में माँ को अलग अलग चीज का भोग लगाओ, अलग अलग महीने में मैया को अलग अलग प्रकार से पूजन करो और उनको भोजन समर्पित करो, वस्तु समर्पित करो। और मन में हमेशा एक बात रहनी चाहिए, जैसे जब बेटा बड़ा होता है तो माता पिता सोचते हैं कि अब इसको किस प्रकार के वस्त्र बनवाएं, अब इसको कौन सी गाड़ी दिलवा दें, अब इसको कहाँ कौन सा मकान बनवा दें, ऐसे ही माँ के लिए जब हम ये चिंतन करते रहते हैं कि माँ की पूजा किस प्रकार से करें, अब हम किस चीज़ का भोग लगा देवे, अब हम कैसे माँ को समर्पित करें कि मैया प्रसन्न हो जावे, जो इस भावना से पूजा करता है, भक्ति भावना से पूजा करता है, माँ उस पर प्रसन्न होती है। बताया कि प्रतिपदा के दिन गाय के घी का भोग लगा करके जो व्यक्ति भोग प्रसाद को बांटता है, मंदिर में दे देता है, ब्राह्मण या साधु को प्रदान कर देता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में निरोगता आती है, कभी बीमारी आती नहीं, जो प्रतिपदा के दिन गाय के घी का भोग लगाए। द्वितीया के दिन शक्कर का, चीनी का भोग लगाना चाहिए या मिश्री का भोग लगाना चाहिए, बाद में ब्राह्मण को दे दो या मंदिर में दे दो अथवा किसी साधु को प्रदान कर दो या किसी भंडारे में वो चीनी दान कर दो भोग लगा करके, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु हो जाता है, उसकी उम्र लंबी हो जाती है, अकाल मृत्यु उसकी नहीं हो सकती। तृतीया के दिन जो मैया को दूध का प्रसाद लगाता है और उस दूध को वितरण कर देता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते। चतुर्थी के दिन मालपुआ या पुआ बना करके मैया को चढ़ाओगे तो जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आ सकता। पंचमी के दिन केला का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी के दिन शहद या मधु का प्रसाद चढ़ाना चाहिए तो सुंदर रूप और सुंदरता आती है जीवन में। सप्तमी के दिन गुड़ या गुड़ से बनी हुई किसी चीज का भोग लगाते हैं तो जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, शोक नहीं आ सकता, शोकों से मुक्ति मिल जाती है। अष्टमी के दिन नारियल का प्रसाद लगाओ, संताप दूर हो जाता है। नवमी के दिन धान की लाई का भोग लगाना चाहिए, लोक परलोक में सुख प्राप्त होता है। और दशमी के दिन काले तिल का भोग लगा करके और उनकी पूजा करके ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, यम के भय से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी के दिन दही का भोग लगाओ, उसके बाद मंदिर या ब्राह्मण को दान कर दो, देवी का प्रिय हो जाता है। द्वादशी के दिन चिवड़ा का भोग लगाना चाहिए, देवी का प्रिय भाजन हो जाता है, माँ उसे बहुत प्रेम करती है। त्रयोदशी के दिन चने का नैवेद्य लगाना चाहिए, चना तल कर लगाते ना, वो त्रयोदशी के दिन लगाना है, इससे संतान की वृद्धि होती है और संतान को सुख मिलता है। चतुर्दशी के दिन सत्तू का भोग लगाना चाहिए, इससे व्यक्ति शिव जी का प्रिय बन जाता है। और पूर्णमासी के दिन खीर का भोग लगा करके ब्राह्मण को दे दें, इससे पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसे अलग अलग तिथि में अलग अलग प्रसाद माँ को लगाते हैं तो माँ जरूर प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देती है। रविवार के दिन खीर लगाओ, सोमवार के दिन दूध का प्रसाद लगाओ, मंगलवार के दिन केले का प्रसाद लगाओ, बुधवार के दिन मक्खन का प्रसाद लगाओ, गुरुवार के दिन शर्करा का प्रसाद लगाओ और शुक्रवार के दिन मिश्री का प्रसाद लगाओ, शनिवार के दिन गैया के घी का प्रसाद लगाना चाहिए, ये देवी भागवत में लिखा हुआ है। फिर अलग अलग महीने में माँ को क्या पसंद होता है, तो चैत्र के महीने में माँ को महुआ पसंद होता है, वैशाख के महीने में गुड़ का प्रसाद लगाना चाहिए और ज्येष्ठ के महीने में मधु यानी शहद का प्रसाद लगाना चाहिए, आषाढ़ के महीने में महुए के रस का प्रसाद लगाना चाहिए और श्रावण के महीने में दही का प्रसाद लगाना चाहिए, भादों में चीनी का, आश्विन में खीर का, कार्तिक में दूध का, अगहन में फेनी का और पौष के महीने में दही कुर्चिका का प्रसाद लगाना चाहिए और माघ के महीने में गैया के घी का प्रसाद लगाना चाहिए। देवी भागवत कहती हैं, एवं आराधनम देव्या समुक्तम सुर पूजितम यः करोति नरो भक्त्या स देवी लोक भाग भवेत्।
जो बड़े भाव से, जो बड़ी भक्ति से, जो बड़े मन से, जो बड़ी श्रद्धा से माँ का पूजन करता है, वो देवी लोक का अधिकारी हो जाता है, मैया का प्यारा हो जाता है। पर देवी भागवत के नवम स्कंद में प्रकृति पंचक की चर्चा आती है। प्रकृति पंचक का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन, प्र माने पहले और कृति माने रचा कौन, प्रा पहले और कृति माने रचा कौन। आपने एक प्रश्न सुना होगा कि अंडा पहले या मुर्गी पहले, आपने ये प्रश्न सुना होगा कि माँ पहले या बेटा पहले, तो पहले माँ। माँ कैसे, प्रकृति, प्रकृति पांच हुई, पहले एक हुई मूल प्रकृति और उस मूल प्रकृति से पांच देवियां प्रकट हुई और उन पांच देवियों से सारी सृष्टि की रचना हुई। वो पांच देवी कौन कौन है, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति ही पंचधा स्मृता। गणेश जननी दुर्गा, दुर्गा कौन है, इनका रूप क्या, थोड़ा सा हम समझ लें। वैसे तो माँ के स्वरूप को बेटा क्या बताए, हम अज्ञानी क्या बता सकते हैं, लेकिन जो देवी भागवत में लिखा हुआ है वो आपको निवेदन कर दें। भगवती दुर्गा का स्वरूप है ये सर्व मंगलमयी है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी है, सब जीवों का आश्रय है, ब्रह्मा इत्यादि देवता ऋषि मुनि सब इनका पूजन करते हैं। प्रसन्न हो जाने पर ये समस्त लोगों की समस्त संपत्तियों का दान कर सकती हैं, धर्म कीर्ति यश आनंद सुख यहाँ तक कि मोक्ष भी आदमी को प्रदान कर सकती हैं। 18 सिद्धियां इनकी दासी होती हैं। जो व्यक्ति कभी कभी सिद्धियों के लालच से भी माँ की उपासना करता है कि हमको कोई सिद्धि मिल जाए, वैसे जो बुद्धिमान साधक होते हैं वो सिद्धियों के चक्कर में माँ की पूजा नहीं करते। सिद्धियां बोले तो लड्डू पेड़ा, जैसे कोई बच्चा माँ को बुलाए माँ 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 और माँ समझ जाती है कि इसे टॉफी चाहिए और माँ आकर के उसे टॉफी दे देती है, छुट्टी, टॉफी लेकर गाय गया, फिर माँ नहीं मिलेगी, माँ दूसरे काम में लग जाएगी, बच्चे को टॉफी दे दी वो टॉफी में फंस गया। ऐसे कभी कभी हम साधक लोग माँ को बुलाते हैं माँ 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 धन चाहिए धन चाहिए धन चाहिए, तो माँ धन पकड़ा देती है और वो गायब हो जाती है, तो हम केवल धन लेकर के रह जाते हैं और धन नश्वर है, ये यहीं प्राप्त हुआ यहीं इसको छोड़ करके जाना है। इसलिए हमको सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हमें किसी प्रकार की सिद्धि नहीं चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ की गोद चाहिए। एक बेटा है, माँ टॉफी पकड़ाती है वो टॉफी फेंक देता है, माँ लड्डू पकड़ाती है वो लड्डू फेंक देता है, माँ उसे खिलौना देती है तो वो खिलौना फेंक देता है, तब मैया उसे गोद में उठाती है और अपना दूध पिलाती है कि इसको कुछ नहीं चाहिए इसे मैं चाहिए, तो वो गोद में उठा के और अपना स्तनपान कराती है। तो ऐसे ही जो सिद्धियां फेंक देते हैं मैया उसे गोद में उठाती है। तो ये 18 सिद्धियां क्या है, बुद्धि, बुद्धि, जब व्यक्ति की बुद्धि सिद्ध हो जाती है तो वो बुद्धि के द्वारा असंभव को भी संभव कर सकता है। निद्रा, निद्रा, जब निद्रा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो योग निद्रा ले सकता है, कभी भी 24 घंटे में 5 मिनट के लिए आंख बंद करेगा रिफ्रेश हो जाएगा, दोबारा से नया ताजा। अथवा रात्रि में लोगों को नींद आती वो नींद को जीत लेता है, जैसे अर्जुन का नाम गुडाकेशन, अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया, ये सिद्धि है अर्जुन के पास है। तो ऐसे ही निद्रा को जीत सकता है व्यक्ति अगर निद्रा की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो। तीसरा है क्षुधा, भूख, भूख आदमी के जीवन की सबसे बड़ी बाधा होती है, भूख के कारण ही तो आदमी पाप करता है, बुभुक्षिम किम न करोति पापम, भूखा आदमी कौन कौन से पाप नहीं करता, सारे पाप भूख के ही कारण होते हैं, और जब मैया कृपा कर देती है तो भूख पर विजय पा लेती है। जैसे हमारी देवियां होती है ना, देवियों के ऊपर मैया की विशेष कृपा होती, इसलिए कभी कभी तो 7 दिन में 8 व्रत हो जाते महाराज, और 9 दिन में लौंग पे 9 दिन, कभी कभी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती कि 9 दिन व्रत किया अब मैया नहीं मिली, डॉक्टर मिला, क्योंकि 9 दिन लगातार व्रत करते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी उल्टा पांसा भी हो जाता, लेकिन कभी कभी हम भूख को जीत लेते हैं, ये माँ की बड़ी कृपा है। पिपासा, प्यास, ये सिद्धि है। फिर
तंद्रा छाया दया स्मृति जाति क्षांति भ्रांति शांति कांति चेतना ये सब सिद्धियां हैं। तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी और धृति धृति माने धीरज धृति माने धारण करना धृति माने धारण करना। धारण करना बड़ा कठिन है। कोई भी चीज प्राप्त करना सरल है लेकिन उसे धारण करना कठिन है। धारण करना बोले तो आप बोलते हो गुरुजी कथा सुनते तो हैं लेकिन एक घंटे बाद माने धारण नहीं कर पा रहे हैं उसे वो चली जाती है इसे बोलते हैं धृति। ये सब 18 सिद्धियां माँ की दासी होती हैं मैया दुर्गा की जो पूजा करता है उनको 18 सिद्धियां सहज उपलब्ध हो जाती हैं। वो उन सिद्धियों को अगर प्राप्त न करे उनसे आगे बढ़ जाए तो फिर माँ उपलब्ध हो जाती है। ये सिद्धियां आदमी को बरगलाने के लिए देती है माँ कि अगर इनमें फंस जाओ तो इन्हीं में फंसे रहो। लक्ष्मी और धृति ये विश्व रूपिणी महामाया इन्हीं का नाम है। इनके महात्म्य गुण का वर्णन वेद भी नहीं कर पाते हम कर क्या सकते हैं। पर दूसरी प्रकृति पंचक में दूसरी प्रकृति का नाम है भगवती लक्ष्मी इनका नाम पद्मा भी है। ये विद्युत सदृश सत्य स्वरूपा है। ये श्री कृष्ण के संपूर्ण ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, जितेंद्रिय हैं, शांत प्रकृति की हैं। मैं निवेदन करूं लक्ष्मी जो होती हैं या लक्ष्मी रूप जो होती हैं या लक्ष्मी जिनको चाहिए उनको शांत रहना पड़ेगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे एक मिनट में गुस्सा हो गए एक मिनट में शांत हो गए या एक क्षण में संतुष्ट प्रसन्न हो गए एक मिनट में असंतुष्ट हो गए एक मिनट में गर्मी लग गई एक मिनट में ठंडी लग गई। जो इस तरह से जीते हैं ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी ना तो आती है ना रहती है। लक्ष्मी मैया की विशेषता है धीरज जिसके पास होता है शांति जिसके पास होती है लक्ष्मी उसके पास होती है। यह ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, जितेंद्रिय और शांत प्रकृति है इनकी, सुशील और समस्त मंगल की आधार भूमि है। सारे मंगल जितने मंगल होते हैं दुनिया में वो लक्ष्मी जी के कारण ही तो होते हैं। तुम बिन यज्ञ न होते तो जितना भी होता है लक्ष्मी जी आती हैं तो चेहरे पर रौनक होती है और जब लक्ष्मी जी चली जाती है ना महाराज तो थोड़ा चेहरा उदास होता है। बोले किसी ने कुछ कहा कहा तो नहीं तो क्या हुआ आज 10,000 रुपए खर्च हो गए लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी जी चली गई तो चेहरे पर उदासी आ गई और जिस दिन 1,00,000 रुपए मिल गए क्यों भैया आज किसी का विवाह वाह है आज तो बहुत खुश हो शादी वादी नहीं है तो क्या है बताती भी नहीं है कि हमको चेक मिल गया 1,00,000 का बताती भी नहीं है। तो लक्ष्मी जब आती है तो चेहरे की रौनक बढ़ जाती है और लक्ष्मी जी जाती है तो सारे मंगल संसार में जितने शुभ कर्म होते हैं मंगल कर्म होते हैं वो सब लक्ष्मी जी के द्वारा ही होते हैं। इनका जो आवाहन करता है प्रेम से ये उनके घर में आती हैं। लक्ष्मी लोभ मोह अहंकार से दूर रहती हैं। जो साक्षात लक्ष्मी रूप हैं देवियां मैं निवेदन करूं जिनको लक्ष्मी की दरकार है जिनको लक्ष्मी की आवश्यकता है जिनको लक्ष्मी चाहिए उनके अंदर ये गुण होना चाहिए। अगर ये गुण होते हैं तो लक्ष्मी जी आती हैं। लोभ मोह अहंकार लोभ से लक्ष्मी भाग जाती है। दबा के मत रखो लक्ष्मी को नहीं तो वो आधे आएगी नहीं और आएगी तो फिर भाग जाएगी रुकती नहीं है चंचला कहते हैं इसको आए जाए लेकिन जाने का तरीका क्या होना चाहिए। मेरे कर पे आए के किसी ने कहा इनका चंचल स्वभाव है बोले हाँ आएगी सो जाएगी इनका यही स्वभाव आएगी सो जाएगी इनका यही स्वभाव मेरे कर पे आए के जी चाहो तहां जाओ एक बार मेरे हाथ पे आ जाओ पर अपने हाथ से हम उसको दान कर दें जहां जाना है जाओ और जाती हैं तो फिर दोबारा लौट के जरूर आती हैं। तो लोभ नहीं होना चाहिए लोभी के पास में लक्ष्मी नहीं आती जो देता रहता है लक्ष्मी उसके घर में आती रहती है। हाँ तो पहला है लोभ दूसरा है मोह मोही आदमी के पास लक्ष्मी नहीं रहती और जिसको अहंकार हो जाए
रुपया पैसा या धन दौलत होने का जिसको घमंड हो जाए, लक्ष्मी उसके पास भी नहीं रहती या नहीं आती। पति और भक्तों पर ये अनुरक्त रहती हैं, जो लक्ष्मी को पसंद करती हैं वो अपने पति को भी पसंद करती हैं और अपने भक्तों को भी पसंद करती हैं। जो लक्ष्मी की सेवा करता है उनको भी वो स्वीकार करती हैं। ऐसे ही भगवती महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु की अनुशीलन करती हैं, उनके पीछे पीछे चलती हैं, उनकी पतिव्रता हैं लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी पति और भक्तों पर अनुरक्त होती हैं, प्रिय भाषणी हैं, मीठा बोलती हैं, अतः परमात्मा की प्रिया भी हैं। ये दूसरी प्रकृति है। महालक्ष्मी के चार रूप होते हैं। वैकुंठ में ये स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं, स्वर्ग में ये स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में रहती हैं, देवराज इंद्र के घर में स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती हैं, राजाओं के घरों में राजलक्ष्मी के रूप में रहती हैं और गृहस्थों के घरों में ग्रह लक्ष्मी के रूप में इनका वास होता है। साक्षात माँ लक्ष्मी ही ग्रह लक्ष्मी के रूप में घरों में रहती हैं। साधुओं के अंदर ये जो विराजमान होती हैं वो दया के रूप में रहती हैं। साधुओं के पास अनाप शनाप रुपया नहीं होता, लेकिन जिन साधुओं के अंदर दया भाव होता है उनके हाथ में तो लक्ष्मी खेलती है, उनके हाथ में तो कोई कमी रहती नहीं, सारे काम शांति से आनंद से होते रहते हैं। दया रूप से साधु के रूप घर में रहती हैं और वैश्यों के घर में ये वाणिज्य यानी व्यापार के रूप में रहती हैं और पापियों के घरों में लक्ष्मी जी दरिद्रा के रूप में यानी अपनी एक छोटी बहन है उनकी उसके रूप में रहती हैं, पापियों के घरों में दरिद्रता के रूप में। सरस्वती मैया ये तीसरी देवी है, ये अनंत विश्व की समस्त विद्या स्वरूपणी है, यानी सारे संसार में जितनी विद्याएं हैं ये माँ महा सरस्वती का ही रूप होती हैं। ये तीसरा मैया का प्रकृति पंचक में पांच प्रकृतियों में तीसरी देवी है महा सरस्वती, जो संसार की सारी विद्याओं का स्वरूप है। मानव के हृदय में ये बुद्धि के रूप में विराजमान होती हैं, कविता के रूप में विराजमान होती हैं, स्वर के रूप में विराजमान होती हैं, सुंदर सुंदर शब्दों के रूप में ये मानव के हृदय में रहती हैं। पंडितों में ग्रंथ करने की शक्ति, बोलने की शक्ति जो होती है वो महा सरस्वती की कृपा से ही होती है। संगीत के रूप में, स्वर के रूप में जो देवी होती हैं वो महा सरस्वती ही होती हैं। इनका स्वरूप होता है वीणा और पुस्तक धारण करती हैं ये, और शुद्ध सत्व स्वरूप रहता है, गौर वर्ण रहता है और सबकी सिद्धि और विद्या का स्वरूप होती है। वेद में तीसरी देवी कहलाती हैं ये महा सरस्वती। बोले महा सरस्वती मैया की। चौथी है गायत्री, जिनको हम सावित्री भी कहते हैं। ये चारों वर्णों की माता होती हैं, वेद की माता होती हैं, छंदों की माता होती हैं। संध्या वंदन गायत्री के कारण ही किया जाता है, तंत्र मंत्र का बीज होती हैं, स्वयं सब विषय में पंडित होती हैं। ब्राह्मणों की जाति, तप, रूप, ब्रह्म तेज, इन सब का कारण गायत्री है। अगर कोई आदमी गायत्री जप करता है ना, कोई गायत्री साधना करता है, गायत्री का मंत्र जप करता है, ऐसे व्यक्ति के माथे पर ब्रह्म तेज हो जाता है। ब्रह्म तेज स्वयं पवित्र रूपा रहती हैं और शुद्ध स्फटिक जैसा इनका वर्ण होता है, शुद्ध सत्व स्वरूप परमानंद में रहती हैं। ये चौथी देवी होती हैं गायत्री देवी। बोलिए गायत्री मैया की जय। और पांचवी प्रकृति पंचक में जो पांचवी माँ है उनका नाम है राधिका, राधा रानी। ये राधा रानी पंच प्रणाली की अधिष्ठात्री देवी हैं, श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय हैं, या ऐसे कहा जाए कि श्री कृष्ण और राधा ये दो नहीं हैं, राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण राधा स्वरूपिणी। जैसे अगर हम राधा बोलते हैं ना तो कृष्ण आ जाते हैं, रा शब्दम कुर्वतस्तस्मै ददामि भक्ति उत्तमाम। गोविंद कहते हैं कि कोई रा बोलता है ना तो मैं उसे उत्तम भक्ति दे देता हूँ, और जैसे धा बोलता है, धा शब्दम कुर्वतः पश्चादयामि श्रवण लोभतः, जैसे वो धा बोलता है तो मैं उसको दोबारा सुनने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता हूँ जिसने राधा बोला है कि ये फिर बोलेगा। तो कृष्ण में और राधा में कोई फर्क नहीं, ये श्री कृष्ण की प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हैं। सबसे अधिक सुंदरी, सर्वश्रेष्ठ, श्री कृष्ण के वामांग में विराजित, गर्वित, गुण और तेज में कोई बराबरी नहीं है इनकी। रास क्रीडा की अधिष्ठात्री देवी हैं,
जिनसे रासमंडल की ही उत्पत्ति होती है, राशेश्वरी कहलाती हैं। रसिकों में अग्रगण्य गोलोक वासिनी, परमानंद, परम संतोष और दयालु। अगर किसी की आंख में आंसू आता है ना, तो राधा दौड़ती है और अपना दुपट्टा लेकर उसके आंख के आंसू पहुंचती है, ऐसी राधा रानी। सत्वादी तीनों गुणों से अतीत, निराकार, निर्लिप्त, ये भक्तों के अनुग्रह के कारण ही शरीर धारण करती हैं। ये तो हमेशा हमेशा मेरे गोविंद के बामांग में विराजमान रहना चाहती हैं। ये भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए धरती पर आने को लालायित नहीं है, लेकिन अगर भक्त इनकी साधना आराधना करता है तो जरूर आ जाती हैं। बाराह कल्प में भगवान गोप की कन्या के रूप में इनका अवतार हुआ है और वृंदावन में इनका वास रहा है, बरसाने में इनका वास रहा है, श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर इनका वास रहा है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमल को देख करके आत्मा को पवित्र करने के लिए 60,000 वर्ष तक घोर तप किया, पता है, पुष्कर तीर्थ में। ब्रह्मा जी महाराज ने राधा जी की आराधना की पुष्कर में 60,000 वर्ष तक, और जब राधा रानी प्रकट हुई तो उनका दर्शन करके ब्रह्मा जी का भाव ही बदल गया। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ के रूप में नहीं, मैं तो बेटी के रूप में चाहता हूँ तुमको। राधा रानी ने कहा, ब्रह्मा जी जब मौका मिलेगा तुम्हें बुलाएंगे, कन्यादान तुम्हारे हाथ से कराएंगे। और जब वो 28वें द्वापर में धरती पर आई ना, तो उस समय 2.5 वर्ष के कृष्ण और 16 वर्ष की राधा रानी एक दिन श्री कृष्ण बाबा नंद के कंधे पर बैठ करके गाय चराने के लिए जा रहे थे बाबा के साथ में, तो वहां वन में घोर वर्षा शुरू हो गई, धूप अंधेरा हो गया, बिजली चमकने लगी, गर्जना होने लगी, तो उस समय श्री कृष्ण रोने लगे, छोटे से कृष्ण बाबा के कंधे पर बैठे रोने लग गए। तब नंद बाबा ने देखा गईया इधर उधर जाकर बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छिप गई, खूब वर्षा हो रही थी। उस समय नंद बाबा गोविंद को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हुए, उसी समय सुंदर सा नील वर्ण के वस्त्र पहन करके गोरी गोरी राधा रानी का आगमन हुआ, 16 वर्ष की जिनकी उम्र थी। नंद बाबा समझ गए कि इस युग में ये हमारी बहू रानी के रूप में है, लेकिन है तो जगत माता। उन्होंने कृष्ण को राधा रानी को समर्पित कर दिया। राधा रानी कृष्ण को लेकर के गई भांडीर वन में, वहां पर उन्होंने गोविंद से निवेदन किया, कृष्ण अब हम ज्यादा विरह स्वीकार नहीं करेंगे, इतने दिन हो गए धरती पर आए हुए, आप हमसे दूर हो। तब गोविंद की अवस्था 16 वर्ष की हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, राधे अपने पिताजी को बुला लो तो वो कन्यादान कर देवे, और उन्होंने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। तब ब्रह्मा जी आए और वहां पर एक मंडप की रचना हुई, देव शिल्पी विश्वकर्मा और समस्त देवताओं ने मिलकर मंडप बनाया, राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। पंडित भी बने ब्रह्मा जी और बेटी के पिताजी भी ब्रह्मा जी बने, पीले हाथ करके श्री कृष्ण को समर्पित किया, और वो पीले हाथ उन्होंने बरसाने के पास में एक पीली पोखर नाम का स्थान है वहां पर वो हाथ धोए, तो उस पोखर का जल आज भी पीला है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा था, शायद आपको भी जानकारी होगी, बाबा ने उस जल को एक बार निकलवाया था, पूरा खाली कराया था, सरोवर पूरा खाली करा दिया, फिर उसमें से जो जल निकला वो भी पीला। तो ब्रह्मा जी ने उसी सरोवर में जो हाथ पीले करके हाथ धोए थे ना, पीली पोखर वो। तो राधा रानी श्री कृष्ण की हृदय में वास करती है, और ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक साधना की। बाद में दर्शन हुआ तो राधा रानी से कहा कि आप मेरी बेटी बन जाओ। राधा रानी ने कहा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं पिता के रूप में हमारा कन्यादान करना होगा। ऐसे कलांश और अंशांश से संसार में जितनी स्त्रियां हैं वो सब राधा जी के अंश से, कला से और अंश अंश से पैदा हुई हैं, अंश अंश और छोटा अंश और छोटा अंश। या ग्राम देव्या स्युस्त सर्वा प्रकृते कला कलांशांश समुद्भूता प्रतिविश्वेषु योषिता। संसार में जितनी योषिता यानी स्त्रियां हैं वो सब राधा जी का ही अंश हैं। ग्राम में जितनी देवियां होती वो सब प्रकृति का, मूल प्रकृति का अंश होते हैं, इसलिए स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ का अंश धरती पर। तो बोले महाराज, फिर जैसे घर में अगर सुबह से महाभारत चालू हो जाए तो बताया कि महाभारत चालू कौन करता है? बोले भगवती महाकाली। तो बोले महाकाली को बुलाया किसने? अच्छा, देवी का अवतार किसके कारण होता है?
ईमानदारी से बता, भक्त के कारण होता है कि नहीं? भक्त जिस रूप में बुलाना चाहे, अगर भक्त सही दिशा में चलता रहे तो फिर महालक्ष्मी का अवतार होगा, अगर भक्त सही काम करता रहे तो महासरस्वती का अवतार होगा, और भक्त उल्टा चलना चालू हो जाए तो फिर महाकाली पैदा होगी कि नहीं होगी घर में? जब भक्त ही उल्टा सीधा काम करेगा तो फिर महाकाली को आना पड़ेगा, तो महाकाली के रूप में वही दुर्गा आती है। इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसा कोई काम न करें जिससे घर में महालक्ष्मी और महासरस्वती के अलावा किसी दूसरी देवी का अवतार हो गए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। और अगर अवतार हो जाए तो उतने समय के लिए उनकी केवल स्तुति करो, केवल प्रार्थना भर करो, बाकी कभी उनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में किसी भी देवता ने विजय प्राप्त नहीं करी देवियों के ऊपर। हाँ, सारे देवता हाथ जोड़कर ही पार पाए, इसलिए कभी भी देवियों से हमको अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है, यस नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नारियो न पूज्यन्ते शमशानम तन्नवैग्रहम। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वो घर शमशान होता है, शमशानम तन्नवैग्रहम, शीघ्र ही शमशान बनता है। देवी का उत्तम स्वरूप है सत्वगुण वाला, मध्यम स्वरूप है रजोगुण वाला, और अधम स्वरूप है तमोगुण वाला। जो योगिन है, साध्वी है, सती है, पतिव्रता है, वो सतोगुणी होती है। जिसको सुंदर भोजन, सुंदर वस्त्र, सुंदर गहने, सुंदर मकान, सुंदर सुविधाएं चाहिए, जो ऐश आराम पसंद करती है, वो राजसी भोगी विलासी स्त्री राजसी स्त्री होती है। और अधम स्त्री पुंशली होती है, कुलटा होती है, वैश्या होती है, झगड़ालू होती है, लड़ाई करने वाली होती है, वो अधम प्रकार की यानी तमोगुणी स्त्री होती है, ऐसा बताया। और कभी कभी तो एक स्त्री के तीनों गुण प्रकट हो सकते, एक ही स्त्री के अंदर तीनों गुण प्रकट हो सकते हैं। अच्छा, मैया जगदम्बा सीता जी के बारे में आप लोग जानते हो, कभी भूल से भी आपने ऐसा सोचा कि उनके अंदर काली प्रकट हो सकती है? सोचा आपने? लेकिन हुई कहां? लिखा है रामायण में, रामायण में लिखा है, काल राती काल रात निश्चर कुल केरी, काल रात काल रात निश्चर कुल केरी, काल रात निश्चर कुल केरी, तेह सीता पर प्रीत घनेरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी, तेह सीता पर प्रीत घनेरी, तेह सीता पर प्रीत घनेरी। कालरात्रि सीता जी के अंदर कालरात्रि दिख रही है, कालिका दिख रही है, काली दिख रही है, किसको बोले? निश्चर कुल राक्षस वंश के लिए सीता जी कालरात्रि बन जाती है। ऐसे हमारे घर में अगर कोई आदमी राक्षस बन जाए, जुआ खेलने लग जाए, शराब पीने लग जाए, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने लग जाए, तो देवियां कालरात्रि बन जाती हैं। और बन जाना चाहिए, मैं अनुरोध कर रहा हूं, बन जाना चाहिए। इतिहास गवाह है, वो सीता जो कभी जोर से नहीं बोली, वो सीता जो हिंसक जानवरों के चित्र देखकर डर जाती थी, वो सीता जो इतनी कोमल है, वो सीता जो महालक्ष्मी है, वो सीता जो महासरस्वती है, वो सीता जो जगत जननी है, वही सीता कालराती वो कालरात्रि बन गई। किसके लिए? बोले निश्चर कुल केरी, राक्षसों के समूह के लिए वो कालरात्रि बन करके आ गई। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जरूरत पड़ जाए, और जब बात सीधी उंगली से न बने, हाँ, तो मैं मंच से ये निवेदन कर देना चाहता हूं कि जरूरत पड़ जाने पर टेढ़ी उंगली कर लेना चाहिए, कालरात्रि बन जाना चाहिए। जब बिगड़ेल ज्यादा हो जाए आदमी,
जब जुआ ज्यादा खेलने लग जाए घर में, जब मांसाहार ज्यादा होने लग जाए, जब शराब ज्यादा पीने लग जाए, जब व्यक्ति कर्म धर्म से विरत हो जाए, हट जाए, जब व्यक्ति बिगड़ ही जाए, तब देवी को काल रात्रि बन जाना चाहिए, कालिका बन जाना चाहिए। ऐसे प्रकृति के बारे में बताया गया। फिर ये बताया गया कि कौन किसकी अर्धांगिनी है। बताया गंगा जी विष्णु जी की अर्धांगिनी है, तुलसी जी विष्णु जी की अर्धांगिनी है, जरत कारु ऋषि की अर्धांगिनी है, जो नागेश्वरी भी कहलाती है, नाग माता भी कहलाती है। फिर बताया देवसेना षष्ठी, षष्ठी देवी देवसेना, ये किसकी अर्धांगिनी है। शंकर जी के बड़े बेटे को जानते हो, क्या नाम है, स्वामी कार्तिकेय। तो स्वामी कार्तिकेय की अर्धांगिनी का नाम क्या है, देवसेना षष्ठी देवी। और विडंबना की बात यह है कि आप लोग इसमें निष्क्रिय हो। अरे बेटा जब पैदा होता है तो देवसेना यानी षष्ठी देवी की कृपा से पैदा होता है। बेटे का जब पूजन करते हो तो छठी का पूजन किसका करते हो, षष्ठी देवी तो है। तो षष्ठी देवी ये भोले बाबा के बड़े बेटे की बहू हैं, यानी स्वामी कार्तिकेय की अर्धांगिनी हैं। मंगल चंडी ये प्रकृति के मुख से पैदा हुई, इनके मंगलवार के दिन पूजा होती है, इनको मंगला देवी भी कहते हैं। लाहौर में जिनका मंदिर बना हुआ है मंगला माता, ये मंगला मंगल चंडी कहलाती हैं। काली दुर्गा के माथे से प्रकट हुई, वसुंधरा रत्न गर्भा, वसुंधरा धरती माता। फिर स्वाहा ये अग्नि की पत्नी है, स्वाहा, अगर स्वाहा नहीं बोलोगे तो अग्नि देवता हवि ग्रहण नहीं करेंगे। और दक्षिणा यज्ञ की पत्नी होती है, अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो यज्ञ रूठ जाएगा और यज्ञ असफल हो जाएगा। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। स्वधा ये पितरों की कन्या है, और पितरों की कन्या है, और जब हम पितरों को जल देते हैं तो स्वधा बोलना पड़ता है, तभी पितृलोग जल ग्रहण करते हैं। स्वस्ति वायु की पत्नी का नाम है, स्वस्ति वायु देवता की पत्नी का नाम है, स्वस्ति। पुष्टि गणेश जी की अर्धांगिनी का नाम है, पुष्टि। तुष्टि अनंत की पत्नी का नाम है, तुष्टि। संपत्ति ईशान की शक्ति का नाम है, संपत्ति। धृति कपिल मुनि की पत्नी का नाम है, धृति, जिसको हम धीरज कहते हैं या धैर्य भी कहते हैं। सती सत्य की भार्या का नाम, सत्य है। सत्य किसको बोलते हैं, भगवान भोले बाबा को भी सत्य बोलते हैं, सत्यदेव भगवान नारायण को भी सत्यदेव बोलते हैं, तो उनकी अर्धांगिनी का नाम है सती। दया मोह की पत्नी का नाम है, दया। पुण्य की पत्नी का नाम है, प्रतिष्ठा। कीर्ति सुकर्म की पत्नी का नाम है, सुकर्म, सुकर्म सत्कर्म शुभ कर्म, शुभ कर्म की पत्नी का नाम है कीर्ति। क्रिया उद्योग की पत्नी का नाम है, मिथ्या। अधर्म की पत्नी का नाम है मिथ्या, अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ, मिथ्या भी बोलते हैं। और अधर्म के साले का नाम क्या है, अधर्म का साला कौन, मिथ्या के भाई का नाम क्या है, मिथ्या के भाई का नाम है कपट, कपट। झूठ का भाई कौन है बताओ, झूठ का भाई है कपट। तो झूठ और कपट ये भाई बहन है, और इनके जीजाजी का नाम, कपट के जीजाजी का नाम है अधर्म। फिर बुद्धि मेधा धृति ये ज्ञान की पत्नी का नाम है, धर्म की पत्नी का नाम है मूर्ति, रुद्र की पत्नी का नाम है कालाग्नि योग निद्रा, काल की पत्नी का नाम है संध्या रात्रि दिन, लोभ की पत्नी का नाम है क्षुधा पिपासा, ये लोभ की अर्धांगिनी का नाम है, तेज की पत्नी का नाम है प्रभादायिका, ज्वर की पत्नी का नाम है जरा मृत्यु, और सुख की पत्नी का नाम है तंद्रा, वैराग्य की पत्नी का नाम है श्रद्धा। कश्यप की पत्नियां थी 13, जिनमें अदिति थी, दिति थी, दनु थी, काष्ठा थी, अनला थी, शर्मा थी, विनता थी, कद्रु थी, ये सब कश्यप जी की अर्धांगिनी का नाम है। सुरभि गौ माता का नाम है, और रोहिणी चंद्रमा की पत्नी, प्रधान पत्नी है। वैसे चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, लेकिन प्रधान पत्नी का नाम है रोहिणी। सूर्य की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है संध्या, एक का नाम है छाया, संज्ञा और छाया, ये 2 हैं सूर्य भगवान की पत्नी। शत्रुपा मनु की अर्धांगिनी का नाम है, इंद्र की पत्नी का नाम है शची,
बृहस्पति की पत्नी का नाम है तारा, वशिष्ठ जी की जो अर्धांगिनी है राम जी की गुरु माता उनका नाम है, उनका नाम है एकाधिकाध बता दे जाओ तुम लोग भी बीच बीच में, हम इतनी बता रहे तुम एक भी नहीं बता रहे, एकाध तो बताओ। हाँ, राम जी के गुरु माता का नाम है अरुंधति और अहल्या गौतम जी की अर्धांगिनी का नाम है अत्री की अनुसुईया और दक्ष प्रजापति की प्रसूति, कर्दम की देवहूति, मेनका अप्सरा पितरों की कन्या है, लोपा मुद्रा, कुंती, कौबेरी, बारुणी, विंध्या, विंध्यावली, बली की पत्नी का नाम है राजा बली की पत्नी का नाम विंध्यावली। ऐसे अनेक अनेक देवियों और उनकी शक्तियों की चर्चा देवी भागवत में आती है और इसके बाद एक प्यारा प्रसंग आता है षष्ठी देवी का प्रसंग। एक बार की बात है जो प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु के बेटे थे ना महाराज, तो प्रियव्रत को कोई बेटा होता नहीं था। तब राजा प्रियव्रत भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनको जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की और प्रकृति के षष्ठांश जो षष्ठी देवी के रूप में हैं उनसे प्रार्थना की, तो धीरे धीरे समय आया और उनके पेट में एक बालक हुआ। एक 5-7 मिनट का भजन हम लोग माँ का गाते हैं और उसी में ये पूरी कथा सुनाते हैं आपको। तेरी मेहमा हम क्या जाने, तेरी मेहमा हम क्या जाने, दीन दुखी अज्ञानी भवानी तू जग की महारानी, भवानी तू जग की महारानी, भवानी तू जग की महारानी, दुखिया की